अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, मेरा नाम है मोहम्मद अल हशफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जी वीलॉग 4, डेट है 8 सितंबर 2023, टाइम है 5:30 और वीलॉग 4 का पार्ट 3। पार्ट 2 वहाँ पे ख़त्म हुआ था जब मैं घर पहुँचा, तो अब जनाब घर पहुँच गए हैं। अभी दरवाज़ा खोल के मियाँ मोहम्मद जुरेज़ तलहा काका जी को लेके जाएंगे और उन्हें सैर करवाएंगे। यहाँ से देखिएगा ज़रा काका जी कैसे भाग के आते, अभी उन्हें बुलाएंगे। पापा की छोनी जान। हाँ एनी, ये चीजें उठाना, मैं जरा इसे सैर करा लूं काके को। ये मेरा फ्रीजर में रख दो दही बल्ले। आ रहे हो चलो, चलो चलो बैठो। ये मेरा काका बैठेगा जी यहाँ पे। बैठ गए आप? क्या हाल है तेरे? ठीक है तू? ये जनाब काका जी को बिठा लिया है सफ़र के लिए। काका जी को रोज़ या अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो एक दो दिन बाद तो उन्हें कम से कम सैर करवाई जाती है पूरी कॉलोनी की। क्योंकि काका जी जो हैं मियां मोहम्मद जुरेज़, वो बाइक पे बहुत खुश होते हैं, तो ये उन्हें लेके जनाब रैंडम सफ़र की तरफ हम गामजन हैं। और ये मेरा सोना सा काका देख रहा होता है सारी चीज़ें, फिर जो जो हो रहा है, और उसे मैं भी दिखाता रहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे घर बन रहा है, या यहाँ पे ये देखो इस तरह का लाइट लगी हुई है, या ये लोग खड़े हैं, ये बच्चे खेला कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं काके को दिखाता रहता हूँ ताकि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे और जल्दी उन्हें फिर वो पिक भी करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को लाजमी आप बाहर ले कर जाएँ, उन्हें बताते रहें चीज़ों को, ताकि उनका माइंड इस लिहाज से ब्रॉड और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो हर चीज़ के बारे में बच्चों को गाइड करना चाहिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे है, ऐसे है। तो इसी तरह ये जो ट्रिप है, ये काका का बेसिकली लर्निंग ट्रिप भी है, उनका इन्जॉयमेंट ट्रिप भी है। तो अब इस सफ़र में होगा ये कि काका जी को पूरी कॉलोनी की सफ़र करवाने के बाद जब मैं घर वापस ले कर आ रहा हूँगा तो इसके दादा बू मिल जाएंगे, और दादा बू जा रहे होंगे नमाज पढ़ने, तो कहेंगे कि मुझे मस्जिद उतारो और आप एक और चक्कर काट के आओ, तो उतनी देर में मैं मस्जिद से आ जाऊंगा, तो मतलब नमाज़ पढ़ लूँगा मगरब की नमाज़, तो आप मुझे पिक कर लीजिएगा। तो फिर काका जी को थोड़ी सी सैर कराई जाती है, और अभी उन्हें कॉलोनी की ही गलियों में लेके फिर रहे हैं। तो आप देखें और इन्जॉय करें आप भी इस सफ़र को, और आप भी ये सब एक्सपीरियंस करें जो मियाँ मोहम्मद जुरेज़ ने किया है। तो आई होप यू विल लाइक इट, और इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मोहम्मद जुरेज़ तलहा के साथ सफ़र पार्ट 3 ऑफ वीलॉग 4 इज ऑन। ओ काल है छोड़िया, काल है तेरी, है काल। वो देखो कुत्ता भी वहां देख रही है जी, की नींद ना आ गई, कुत्ता है ना उसे तो सुना। वो देखो वो भाई ने सलाम भी किया, वो पीछे जो भाई ने आपको ऐसे भी किया, तब्बा तब्बा किया, सलाम अलैकुम किया, सलाम अलैकुम। उन्होंने हाँ जी काका जी को किया अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हाथ ला के। हाँ जी काका जी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने पड़े हैं इस मोहल्ले की। हाँ जी
ठीक है। फिर उसने खुद काका जी को पहचाना दूर से, और उसने ऐसे ऐसे हाथ ला के सलाम किया जी, हाँ जी, कोई आम बंदा नहीं है काका जी भाई जान, कोई इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लेने की जरूरत नहीं है काके को, हाँ जी, सारे घर वाले और महल्ले वाले ये बात सुन ले, हाँ जी। क्या हाल है तेरे, तो तू ठीक है, ओ मेरे सोने, ओ मेरे शहजादिया, देखो पापा की तरफ, पापा तरफ देखो, इधर पीछे देखो पापा तरफ, काका ओ चोना मेरा, ओ भाई हमारी तरफ, ओ वो देखो कितना लंबा छक्का, ओ लो जी कैच भी मिस हो गया जनाब, कैच मिस हुआ पड़ा लड़के का, हाँ जी जनाब जी, कुछ क्रिकेटर आ रहे हैं, तीन चार क्रिकेटर ना कहीं से खज्जल हो के आ रहे हैं, गर्मी में खज्जल खराब हो गया, हाँ जी ये भी कोई क्रिकेटर आ रहे हैं, ये लगता है मैच हार के आ रहे हैं, इनके लाल तो यही बता रहे हैं, काके ये मैच हार के आए या मैच जीत के आए बताओ आप, मैच हारे हैं या वो मैच जीते हैं बता दो मुझे, तुम ना धर्म बुरी काके बता दो, तुमको क्या लगता है, ये जी कॉलोनी के अंदर से हम जा रहे हैं, टाइम हो गया है 6:30 का, तारीख है 8 सितंबर, ये गुरेज काका जी हमारे साथ हैं, देखा था जनाब जी छोटे छोटे काके फिर रहे थे, हाँ जी काकियां भी फिर रही जी, वो अपना खेला चला रहे थे यहाँ पे ना, खेला कर रहे थे, देखो देखो आप मेरी छोरी जान, देखा आपने
खड़े हो आयो केड़ी गड्डी अच्छा प्लास्टिक दी बैठन वाली वड्डी गड्डी है छोटी अच्छा 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 चलो मैं कटे आना पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर चलो वो तो शुरू हो गई जनाब जी आपके दादा अबू कह रहे हैं कि आप कोई चक्कर काट के आ जाएं और उतनी देर में वो तीन फर्ज पढ़ लें और फिर उन्हें हम वहाँ से रिसीव करके ना मस्जिद से अपने घर चले जाएं। आप क्या कहते हो हैं? आप क्या कहते हो काका? आप क्या कहते हो? आप कहते हो मामा पापा पापा मा। अच्छा वो मुझे बताओ अपना कार्टून ग्रेस कार्टून कार्टून काका कार्टून बोलो कार्टून रे कार्टून 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 बोलना कार्टून कार्टून बोलना कार्टून बोला कार्टून ग्रेस कार्टून पापा 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 तो मैं तो तेरी अखियां च बसदा मैं तेरे दिल च ढोलना उसे प्यार किसे को जब तक सारे नजारे चले 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 मंजिलों से आए देता तुझे सदाएं ये तेरे मेरी मंजिलना बादलों के पार जब तक ये सारे नजारे चले चल चले चल चले क्लासेस दाड़ने पड़ने क्योंकि जनाब जी अब हो गई है रात और ये देखो लाइट जलाओ ये देखो पका पका अब जनाब जी हम तो चक्कर काट लाए और आपके दादा वो पता नहीं कहा बात जी बैठे हुए दादा
दादा बू को लेके नहीं जाना। दादा बू को मस्जिद से लेके नहीं जाना। दादा बू है कहाँ पे देखो जो सही तरह जनाब जी। चलो आपको आगे से अच्छा अच्छा चलो आगे से एक और चक्कर काट आते हैं। बैठो बैठो बैठो, ये देखो पापा बाइक कर रहे हैं स्टार्ट। ये देखो चलो पकड़ लो आगे से। हाँ जी हाँ जी सोना सोना प्यारा काका, ये देखो जनाब जी छोटे छोटे बच्चों ने खेला रचाया हुआ है। देखो देखो खेल टट्टा टट्टा की जान, पापा की जान, मामा की जान, दादा की जान, दादी की जान, छोटा सा काका, जुरेज काका, पाला काका, छोना मोना काका, छोटा सा पाला सा आप एक काका पाका जी हो क्या? आप एक काका पाका जी हो जनाब जी। अब दादाजी बाहर आएंगे तो फिर ही हम उनको लेके घर में जाएंगे अपने में। हाँ जी और भाई की हाल ठीक हो? आप सुनाओ। दादा बू आपके कहाँ पे हैं काका? कि दादा बू कहाँ पे हैं? वो आ रहे दादा बू। पापा की जान वो आ गए। दादा बू आ रहे हैं। वो देखो वो उधर अंदर देखो दादा बू आ रहे हैं। वो देखो आ गए दादा बू आ गए। चलो बैठो। मोटरसाइकिल कैसे लाता है? और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा।